स्मॉल स्टोरीज इन हिंदी बहुत समय पहले की बात है। दो बहुत पक्के दोस्त थे। एक बार वे जंगल से गुजरते हुए खतरनाक रास्ते से जा रहे थे। वह रास्ता बिल्कुल एकांत स्थान वाला था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उन्हें डर लगने लगा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक भालू आ रहा है। एक दोस्त सबसे नजदीकी पेड़ की ओर दौड़ा और फटाफट ऊपर चढ़ गया, लेकिन दूसरा पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, इसलिए वह मरे हुए व्यक्ति के समान नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। भालू जमीन पर पड़े लड़के के पास गया और उसके सिर के चारों ओर सूंघने लगा। लड़के को मरा हुआ जानकर भालू आगे बढ़ गया। अब पेड़ पर चढ़ा दोस्त नीचे उतरा और उसने अपने दोस्त से पूछा कि भालू ने उसके कान में क्या कहा। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, उन दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करना जो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। जो मुसीबत में खुद की जान बचाए और दूसरे के काम ना आए, वो कैसा दोस्त। अब पहले दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने मित्र से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना दोस्त, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ।